Assalamualaikum and a very warm welcome to Dr. Nashiba Salman and Skin Solutions. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होंगे, अपने बालों का ख्याल रख रहे होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों का मौसम स्टार्ट है और सख्त गर्मी जो है वो पड़ रही है और गर्मियों के मौसम के अपने ही इश्यूज होते हैं, बालों के भी और स्किन रिलेटेड भी। और उसमें से एक बहुत ही कॉमन इशू है हाथों पाँव की स्किन का काला हो जाना या फिर नकल्स का डार्क हो जाना या आपकी स्किन का टैन हो जाना कि आपको हाथ पाँव साफ नहीं लगते, डल लगते हैं और बहुत रूखे लगते हैं। ये सब क्यों हो रहा होता है? एक तो पानी की कमी की वजह से, दूसरा ये होता है कि आपकी जो गर्म हवा चलती है उसकी वजह से, और तीसरी चीज होती है कि सनलाइट इटसेल्फ जो है वो आपकी स्किन को टैन कर देती है, उसका रंग जो है वो भद्दा या उसका रंग काला कर देती है। और फिर हम ओपन शूज पहनना चाहते हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम है, और जब वो पहनते हैं तो तब पाँव बिल्कुल ही बुरे लगना शुरू हो जाते हैं और उनके ऊपर निशान बनना शुरू हो जाते हैं जो आपके जूतों के निशान होते हैं। इन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपने दो काम ज़रूर करने हैं। एक तो सुबह के टाइम जो है वो आप सनब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें, और दूसरी चीज़ हम आपको नाइट एप्लीकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं और वो आप रात को लगा के सो सकते हैं। अच्छा, जो सुबह हम आपको देते हैं प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स, उसमें से मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें सनब्लॉक, मॉइस्चराइजर और उसके साथ वाइटनिंग, तीनों चीज़ें डली हुई होती हैं। और जो रात को लगाने के लिए होते हैं उसके अंदर माइल्ड सा एक्सफोलिएशन होता है और उसके साथ साथ ब्राइटनिंग एजेंट्स होते हैं। जब आप इन दोनों चीज़ों को अपनी रूटीन में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी टैनिंग नहीं होगी और आपके हाथ पांव की स्किन जो है उसके ऊपर डार्क नकल्स नहीं बनेंगे, वो साफ सुथरी रहेगी और ईजिली मैनेजेबल होगी आपके लिए। ये तो हो गया जो आप घर में कर सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि हाथों पांव की हालत बहुत ख़राब होती है और हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं या सजेस्ट करते हैं कि इन चीज़ों के अलावा आप हमसे केमिकल पील या वाइटनिंग पील या कार्बन पील कराएं। ये तीनों एक किस्म की पील्स ही हैं लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। और इनको करने के क्या फ़ायदे होते हैं कि आपकी जितनी भी थिक और गंदी वाली स्किन होती है वो उतर जाती है, और जो आपको चीज़ें घर में इस्तेमाल करने के लिए देते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है, और उसके साथ साथ इनका अपना रिजल्ट तो आता ही है। तो आप देखेंगे कि अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ ऑप्ट करेंगे तो उसकी वजह से आपकी स्किन जो है, आपके हाथ पांव जो है वो बिल्कुल डल नहीं रहेंगे, उन पे टैन नहीं होगा और आप उनको इजीली मेंटेन कर लेंगे। गर्मियों के शूज़ जो कि ओपन होते हैं, सैंडल्स या फिर चप्पल आप पहनते हैं या स्टिलेटोस होते हैं, वो सब आप पहन लेंगे लेकिन उसके बावजूद आपके जो हाथ पांव हैं वो गंदे नहीं लगेंगे, ख़राब नहीं लगेंगे और बिल्कुल साफ सुथरे होंगे, कोई डलनेस नहीं होगी, बिल्कुल एकदम से फ्रेश स्किन होगी। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो ये कि आप घर में एप्लीकेशंस हमसे लिखवा सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जिनकी स्किन ज़्यादा ख़राब होती है उनके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप हमारे पास आएँ, केमिकल पील, वाइटनिंग पील या फिर कार्बन पील कराएं। और आजकल इसके ऊपर ऑफर भी है जो ईद से पहले आप अवेल कर सकते हैं और ईद पे आप साफ सुथरे पाँव और हाथ जो हैं उनके साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, आपसे दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।